हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम बात करने वाला है अजय देवगन की फिल्म शैतान के पूरे 3 दिनों के इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। साथ ही में हम बात करेंगे यामी कोकडम की फिल्म आर्टिका T70 के पूरे 12 दिनों के इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो हम जानेंगे इन दोनों मूवी में से किस मूवी ने सबसे ज़्यादा का कलेक्शन किया है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे अजय देवगन की फिल्म शैतान से। बॉलीवुड के मास महाराज अजय देवगन की फिल्म शैतान इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और आज अपने 3रे दिन इस फिल्म के जो कलेक्शन है वो इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रोसर फिल्मों की लिस्ट में इस फिल्म को ले रहे हैं, क्योंकि ये फिल्म आज लगभग 200 से ज़्यादा बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अक्षय कुमार, सलमान खान और शाहरुख खान की फिल्मों को भी एक रिकॉर्ड को तोड़ रही है। तो आज हम बात करने वाले हैं मास महाराज अजय देवगन की फिल्म शैतान के 3 दिनों के इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ फिल्म बनने वाली या नहीं, तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे ये फिल्म गुजराती फिल्म की ऑफिशियली रिमेक है। यहाँ पर फिल्म शैतान जिससे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 3800 स्क्रीन पर दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 5000 से ज़्यादा के स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। सुपरस्टार अजय देवगन इस फिल्म में एक बार फिर अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी एक्टिंग इस फिल्म में जबरदस्त है। वहीं फिल्म में विलेन के तौर पर आपको नजर आने वाले हैं आर माधवन। आर माधवन ने दिखाया कि कैसे होता है विलेन, और उनकी एक्टिंग और उनकी जबरदस्त परफॉर्म ने सभी को हैरान कर दिया। बताते चले आपको कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 50 से 55 करोड़ के बजट पर बनने वाली इस फिल्म ने पहले ही दिन हिस्टोरिकल ओपनिंग ली थी और इस फिल्म ने 16 करोड़ 40 लाख रुपए अपने पहले ही दिन नेट बॉक्स ऑफिस पर कमाए। ऑडियंस की तरफ से मिलने वाले जबरदस्त रिव्यूज के बाद इस फिल्म ने अपने 2रे दिन के जो कलेक्शन थे उसमें जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली और लगभग 30 से 40% की ग्रोथ के बाद इस फिल्म ने अपने 2रे दिन 19 करोड़ रुपए की कमाई की। सिर्फ 2 ही दिनों में इस फिल्म ने इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर जहाँ 35 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर चुकी थी, तो वही वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर सुपरस्टार अजय देवगन की ये फिल्म उनके करियर की सबसे बड़ी रिलीज साबित हुई। लगभग 1200 से भी ज़्यादा स्क्रीनों पर रिलीज होने वाली इस फिल्म ने अपने पहले दिन जहाँ 60 करोड़ रुपए ओवरसीज से कमाए थे, तो वहीं अपने 2रे दिन 9 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब रही। इस तरह से ये फिल्म सिर्फ शुरुआती 2 ही दिनों में 51 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार करते हुए अपने बजट की रिकवरी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर कर चुकी थी। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर इस फिल्म के आज यानी कि अपने 3रे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो आपको बताते चले कि ये फिल्म आज अपने 3रे दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक कमाई करती हुई नजर आ रही है। आज की एडवांस बुकिंग इस फिल्म की 60 करोड़ 50 लाख रुपए से भी ज़्यादा की है, जबकि ये फिल्म आज अपने सिंगल स्क्रीन, मल्टीप्लेक्स और हर जगह एक शानदार कमाई कर रही है। बताते चले आपको कि आज मॉर्निंग से ही इस फिल्म की ऑक्यूपेंसी 45 से 50% की है। फिल्म आज ऑल ओवर इंडिया में हाउसफुल बॉट के साथ सभी को पसंद आ रही है और आज के जो इस फिल्म के कलेक्शन है वो लगभग 23 से 24 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में फिल्म आज लगभग 59 करोड़ रुपए की कमाई इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर कर चुकी होगी। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म के जो कलेक्शन होंगे वो 80 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुके होंगे। बताते चल आपको कि अजय देवगन की इस फिल्म को जिस तरह से ऑडियंस पसंद कर रही है, आने वाले समय में फिल्म जल्द ही 300 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई होगी। तो गाइस, चलिए अब हम बात करेंगे यामी कोकडम की फिल्म आर्टिका T70 के बारे में। तो यामी कोकडम की लेटेस्ट रिलीज फिल्म आर्टिका T70 को दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है। बड़े बजट की हॉलीवुड रिलीज ड्यून पार्ट 2 से टक्कर मिलने के बावजूद भी ये फिल्म टिकट के पर मजबूत पकड़ बनाए हुए है। ये फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। ये फिल्म रिलीज के 2रे हफ्ते में है और ये बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए है। हालांकि वीकडेज में फिल्म की कमाई में गिरावट भी आई। चलिए यहाँ जानते हैं आर्टिका T70 ने रिलीज के 12 दिनों में कितने करोड़ की कमाई की है। कश्मीर से आर्टिका T70 को हटाने पर बेस यामी कोकडम की फिल्म आर्टिका T70 सिनेमाघर में खूब धमाल मचा रही है। फिल्म को ना केवल क्रिटिक्स से पॉजिटिव रिव्यू मिले थे बल्कि दर्शकों को भी ये फिल्म कहानी खूब पसंद आई थी। इसके साथ आर्टिका T70 ने अपने बजट से 3 गुना ज़्यादा की कमाई कर ली है। फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो आर्टिका T70 ने 5 करोड़ 90 लाख रुपए से खाता खोला था। इसके बाद फिल्म का पहले हफ्ते का कलेक्शन 35 करोड़ 60 लाख रुपए का रहा था। वही अब ये फिल्म रिलीज के 2रे हफ्ते में है। आर्टिका T70 ने रिलीज के 8वें दिन 3 करोड़ रुपए कमाए थे।
नौवें दिन यानी कि दूसरे शनिवार को फिल्म ने 5,50,00,000 रुपए का कलेक्शन किया था, तो वहीं 10वें दिन यानी कि सेकंड संडे को आर्टिकल 370 ने 6,75,00,000 रुपए की कमाई की थी। जबकि दूसरे सोमवार की कमाई की बात करें तो 74% की गिरावट आई और इस फिल्म ने 1,75,00,000 रुपए की कमाई की। वही अब इस फिल्म की रिलीज के 12वें दिन यानी कि दूसरे मंगलवार की कमाई की शुरुआती आंकड़े आ चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आर्टिकल 370 ने रिलीज के 12वें दिन यानी कि दूसरे मंगलवार को 1,75,00,000 रुपए की कमाई की है। इसी के साथ आर्टिकल 370 की 12 दिनों की कुल कमाई अब 55 करोड़ रुपए की हो चुकी है। आर्टिकल 370 ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन कर लिया है। वही दुनिया भर में ये फिल्म तहलका मचा रही है। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड भी दमदार कमाई कर ली है। जियो स्टूडियो ने अपने आर्टिकल 370 के दुनिया भर में कमाई के आंकड़े शेयर करते हुए इस फिल्म ने 11 दिनों में वर्ल्ड वाइड 77 करोड़ रुपए की कमाई के आंकड़े को शेयर किया है। ये फिल्म अब 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने की तेज और तेजी से बढ़ रही है।